पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी के लिए एक बड़ी खबर है। अब पेट्रोल के रेट इतने महंगे हो जाएंगे जितने शायद ही आपने सोचे होंगे। जो पेट्रोल औसतन हर शहर में 96 रुपए प्रति लीटर पार कर चुका है और कहीं कहीं तो 100 भी पार कर चुका है, उस पेट्रोल के रेट अभी फिर से छत के ऊपर पहुंचने वाले हैं, छलांग लगाने वाले हैं। इसके पीछे है खाड़ी देश जो दुनिया को पेट्रोल सप्लाई करते हैं। कैसे भारत में भी बढ़ सकते हैं तेल के दाम, और क्या खाड़ी देशों की मनमानी अमेरिका को जताने के लिए है? क्या बदल रहा है वर्ल्ड ऑर्डर? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस एक्सप्लेनर में। हेलो, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो जी, खबर ये है कि सऊदी रूस के साथ साथ ओपेक प्लस यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज प्लस के सदस्य देशों ने आने वाले समय में तेल के प्रोडक्शन को कम करने का फैसला कर दिया है। ओपेक प्लस की इस घोषणा ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अगर सप्लाई कम हुई तो जो डिमांड है वो बढ़ेगी और इस वजह से प्राइस बढ़ेगा। बेसिक इकोनॉमिक्स। संगठन के इस कदम के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 8% तक बढ़ गई है। आसान भाषा में समझे तो सऊदी अरब के साथ साथ 23 देशों के तेल उत्पादन प्रोडक्शन कम करने के फैसले के बाद हर रोज लगभग 19 करोड़ लीटर क्रूड ऑयल का उत्पादन कम हो जाएगा, यानी तेल के दाम में प्रति बैरल $100 तक की बढ़ोतरी होने की आशंका है। मगर इन देशों के इस फैसले का असर भारत के पेट्रोल डीजल के दाम पर कैसे पड़ सकता है, हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले जानना चाहेंगे कि ओपेक प्लस आखिर है क्या, इसमें कौन से देश हैं और ये फैसला उन्होंने क्यों लिया। तो दोस्तों, ओपेक प्लस माने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज 23 तेल निर्यातक देशों के ग्रुप को मिलाकर बना है। ओपेक को सितंबर 1960 में बगदाद सम्मेलन में बनाया गया था। इस संगठन का मोटिव था वर्ल्ड मार्केट में तेल की कीमत फिक्स करने के लिए तेल की सप्लाई को रेगुलेट करना। आसान भाषा में समझें तो ओपेक प्लस बाजार को संतुलित रखने के लिए तेल की सप्लाई और उसकी मांग को अनुकूल बनाता है। जब तेल की मांग में कमी आती है तब ओपेक प्लस आपूर्ति कम करके इसकी कीमतें ऊंची करता है। साल 1960 में बनाए गए ओपेक संगठन के सदस्य देश हैं अल्जीरिया, अंगोला, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गेबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लिबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई एवं वेनेजुएला। फिर साल 2016 में जब तेल की कीमतें कम थी, ओपेक ने 10 गैर ओपेक तेल उत्पादक देशों के साथ मिलकर ओपेक प्लस बनाया। ओपेक प्लस देशों में 13 ओपेक सदस्य देश के साथ साथ अजरबैजान, बहरेन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान शामिल हैं। तो ये थे ओपेक प्लस देश। अब आते हैं इन ओपेक प्लस देशों के इस फैसले पर कि एग्जैक्ट फैसला आखिर है क्या। तो ओपेक प्लस देशों ने हाल ही में फैसला किया है कि ये देश हर रोज 11.5 लाख बैरल यानी कि करीब 19 करोड़ लीटर तेल के उत्पादन में कटौती करेंगे। आपको बताती चलूं कि दुनिया भर में कुल कच्चे तेल का 40% उत्पादन ओपेक समूह देशों में ही होता है। पिछले साल के ऑयल प्रोडक्शन से कंपेयर करें तो सऊदी अरब पिछले साल के कंपैरिजन में 5% कम तेल का प्रोडक्शन करेगा। ठीक इसी तरह इराक ने भी भैया फैसला ले लिया है कि अब हर रोज लगभग 2 लाख बैरल तेल के प्रोडक्शन में कटौती करेगा। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कुवैत और अल्जीरिया भी प्रोडक्शन कम करने जा रहे हैं। तेल के उत्पादन बढ़ाने के फैसले पर किसने क्या कहा, अब वो जान लेते हैं। तो जी, सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका के कारण एहतियातन ये कदम उठाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि तेल के उत्पादन को कम करने का फैसला तेल बाजार की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए एहतियातन उठाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कुवैत के तेल मंत्री बदर अल मुल्ला ने भी उत्पादन के कम करने के कारण को बताते हुए कहा है कि तेल उत्पादन कम करने का फैसला एहतियातन लिया गया है। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने ओपेक प्लस देशों के फैसले पर कहा है कि ओपेक प्लस देश ने ये फैसले इसलिए लिए हैं क्योंकि बाजार अस्थिर है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जरूरत से ज्यादा तेल मौजूद है। अब बताते हैं कि क्यों कटौती कर रहे हैं ये अरब देश, मतलब ये रीजन तो है ही, लेकिन और क्या रीजन है। तो ओपेक देशों की माने तो ये कदम वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता को देखते हुए उठाए जा रहे हैं, लेकिन विश्लेषक यानी एक्सपर्ट्स का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। इस फैसले की एक वजह तो ऊपर हमने आपको बता दी है, लेकिन एक और वजह है अमेरिका का स्ट्रेटेजिक रिजर्व यानी इमरजेंसी में तेल का भंडार बेहद कम हो गया है। इसका मतलब क्या है कि अमेरिका एक बार फिर से अपने इस स्टोरेज को भरने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में तेल खरीदना शुरू करेगा। ऐसे में अगर तेल का दाम बढ़ जाता है तो अपने स्टोरेज को भरने के लिए अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये देश पहले से ही मंदी की आहट झेल रहा है।
अब अगर तेल के दाम और बढ़े तो अमेरिका को और अधिक खर्च करना होगा और इस वजह से खाड़ी देशों का फायदा हो सकता है। नरेंद्र तनेजा ने बीबीसी की एक रिपोर्ट में कहा है कि इस फैसले से ओपेक देश दुनिया या यानी कि वर्ल्ड मार्केट को दिखाना चाहते हैं कि ये अपनी मर्जी के मालिक हैं और यही तेल का दाम निर्धारित करते हैं। ओपेक खुद तय करेगा कि उसे कितना तेल का उत्पादन करना है। बता दें कि पहले सऊदी अरब अमेरिका के इन्फ्लुएंस में रहता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सऊदी अमेरिका को ये संकेत दे रहा है कि वो अपने तेल के मामले में अपनी ही मर्जी का मालिक है। सवाल तो ये भी है कि अमेरिका के तेल का भंडार आखिर कम क्यों हो रहा है, उसका भी हमारे पास जवाब है। दरअसल पिछले साल फरवरी महीने में रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के वक्त वैश्विक बाजार में कच्चे तेल का दाम $139 प्रति बैरल तक पहुँच गया था। तेल का भाव इतना ज्यादा साल 2008 के बाद से कभी नहीं बढ़ा था। इसके बाद अमेरिका और रूस ने भी अपना रिजर्व तेल वैश्विक बाजार में बेचना शुरू कर दिया, जिसके कारण तेल की सप्लाई बढ़ गई मार्केट में और मार्च 2023 में क्रूड ऑयल की कीमत गिरकर $75 प्रति बैरल तक पहुंच गई। अब आ जाते हैं भारत पर। तेल उत्पादन कम करने का भारत पर क्या होगा असर? तो जी, अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। साल 2022 के अप्रैल से दिसंबर के बीच देश में कुल 1.27 अरब बैरल तेल खरीदा गया है। कुल खरीदे गए तेल का 19% भारत ने रूस से खरीदा था। पिछले 9 महीनों की लिस्ट देखें तो पाएंगे कि भारत सबसे ज्यादा तेल रूस से ही खरीद रहा है। रूस से तेल खरीदने के कारण भारत को प्रति बैरल $2 तक की बचत भी हो रही है, इसीलिए वो रूस से तेल खरीद रहा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में नरेंद्र तनेजा कहते हैं कि तेल के उत्पादन के कम होने और कीमत बढ़ने का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था तेल पर ही आधारित है और भारत जिस देश से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है वो देश भी एक ओपेक प्लस देश है, यानी कि रूस। तेल के उत्पादन के कारण जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो वर्तमान में जो डिस्काउंट प्राइस रूस हमें दे रहा है यानी कि भारत को दे रहा है वो उसमें इजाफा होगा। अब तक भारत को रूस से सस्ता यानी कि डिस्काउंटेड तेल मिल रहा था। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से कई देशों ने तेल खरीदने से मना कर दिया। ऐसे में वेस्टर्न सैंक्शंस के बाद रूस को नए बाजार की खोज थी, जरूरत थी और भारत को सस्ते तेल की। ऐसे में तेल का कारोबार भारत और रूस के लिए फायदेमंद साबित हुआ। लेकिन अब रूस से भारत के अलावा तुर्की, पाकिस्तान और मोरक्को जैसे देश भी तेल खरीद रहे हैं। ऐसे में जैसे जैसे रूस का बाजार बढ़ेगा भारत को मिल रही छूट कम होती जाएगी। उत्पादन कम होने पर तेल के दाम क्या बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं? तो जी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के विश्लेषक फतेह बिरल ने एबीपी को बताया है कि भारत एक ऊर्जा और तेल आयातक देश है। भारत में खपत होने वाले अधिकांश तेल का आयात किया जाता है। इस तरह के कदम से भारत का तेल आयात बिल बढ़ सकता है और इस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ सकता है। अगर एक बैरल तेल के दाम में $10 की बढ़त होती है तो देश की GDP ग्रोथ 0.2 से 0.3% कम होगी और देश की महंगाई 0.1% बढ़ेगी। तो ये थी तेल की पूरी कहानी। मैंने और भी एक्सपीरियंस किए हैं जिनमें बताया है कि कैसे मध्य पूर्वी खाड़ी देश अमेरिका और उसके इन्फ्लुएंस से खुद को अलग कर रहे हैं। 3 साल पहले तक शायद ओपेक देश ये नहीं सोच सकते थे, मगर अब यही ओपेक प्लस हो गया है और साथ ही अब वर्ल्ड ऑर्डर रशिया और यूक्रेन के युद्ध के चलते और साथ साथ चीन का इन सब के बीच में मसीहा बनकर आने की वजह से खाड़ी देशों के लिए चेंज हो रहा है। देखना होगा कि ये फैसला पश्चिमी देश और खास करके अमेरिका कैसे लेते हैं। अब देखेंगे तेल की धार। फिलहाल मुझे दे इजाजत, मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।